भारत का मिशन चंद्रयान सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने रोवर सहित चांद के दामन पर पहला कदम रख लिया है। इस ऐतिहासिक पल का हर भारतवासी को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, साथ ही चांद पर अपना यान उतारने का कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश भी। भारत से पहले मिशन मून को अमेरिका, रूस और चीन अंजाम दे चुके हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। पीएम मोदी इस वक्त जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए मौजूद हैं। उन्होंने भारतीय मिशन की सफलता पर इसरो को बधाई दी। पीएम मोदी ने चंद्रयान -3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग पर इसरो चीफ एस सोमनाथ से फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी। वहीं झारखंड में भी इसको लेकर खुशी का माहौल है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि देश के लिए एक अत्यंत ही गर्व का पल, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों के लिए अब कोई सरहद दूर नहीं रहा। इस मिशन में लगे तमाम वैज्ञानिकों और टेक्निकल टीम को 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से बधाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि नो फ्रंटियर इज टू डिस्टेंट फॉर अस, यानी कोई भी सरहद अब हमसे बहुत दूर नहीं है। आज चंद्रमा फतह करके देश के वैज्ञानिकों ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और ये लैंडिंग उस साउथ पोल पे हुई है जहां किसी दूसरे देश ने आज तक सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं की। ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा कि अब चंदा मामा बहुत दूर के नहीं रहे, और उन्होंने तो ये भी घोषणा की कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक नया मिशन की शुरुआत होगी। तो आज पूरे देश का जो सर है वो गर्व से उठ गया है और हम लोगों ने एक नया इतिहास रचा है। देश के सारे वैज्ञानिकों को, चंद्रयान मिशन से लगे तमाम लोगों को हमारी सारी शुभकामनाएं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।